ये सेक्टर 65 का जो मैं फ्लाईओवर का भी कवर कर रहा हूँ, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसी फ्लाईओवर के साइड में यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक मंदिर है, जो मंदिर बन रहा है यहाँ पर, अभी निर्माणाधीन है यहाँ पर, और जो इनके महंत हैं ये सामने हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। हाँ जी महंत जी नमस्कार। तो ये क्या मंदिर है, किसका मंदिर है, कैसे? नहीं है ये, हमने यहाँ पे तपस्या की है, धूनी तपस्या। अच्छा ये सामने जो नजर आ रहा है, सामने नजर आ रही है धूनी तपस्या की। अच्छा अच्छा, क्या धूनी तपस्या क्या होती है थोड़ा बताओगे? धूनी तपस्या होती है अपने को पवित्र करने के लिए। अच्छा, समाज को सुख देने के लिए। अच्छा, और समाज का भला करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। ओके ठीक है, तो आपने तपस्या कर ली, ये तपस्या संपूर्ण हो गई आपकी? हाँ संपूर्ण हो गई, तपस्या संपूर्ण हुई है। अब भंडारा है, आज भंडारा है। अच्छा, हो जाएगा और बाकी अभी आप भजन करते रहेंगे, कुटिया प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, कुटिया जो करेंगे महाराज जी लगे। तो ये कौन से जो भगवान, ये किसके लिए आप मतलब जो पूजा कर रहे हैं? ये भगवान तो एक निराकार, यानी के जो निराकार ब्रह्म है ना। हाँ जी, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसकी पूजा कर रहे हैं। जो कण कण में, बिल्कुल मुझ में राम तुम में राम, कण कण में नूर समाया है, और कर लो सभी से प्रेम जगत में पूजा, सब में जो परमात्मा है उसी परमात्मा की सेवा करता हूँ। ठीक है, गीता की पूजा करता हूँ। गीता साक्षात परमात्मा का हृदय, गीता हृदय भगवान का या ज्ञान का सुसार है, और शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार। तो यहाँ पर अब आप क्या मतलब कुछ मंदिर कोई मूर्ति स्थापित करेंगे, कैसे करेंगे लोगों को? इच्छा है जो क्या करवाते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परमात्मा के हाथ में जो कुछ करेगा तो ठीक है। नहीं तो ये जो एरिया है ये क्या है, मतलब ये साइड का एरिया है, मतलब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है यहाँ पर, सामने से जा रहा है, तो इसके सेक्टर 65 के सामने ये वन विभाग की जगह शायद। अच्छा, या ये नहर विभाग की होगी, बाकी की प्रभु की इच्छा है। यानी प्रगति का तो बहुत अच्छा साथ है यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर मतलब चाहेंगे कि यहाँ पर पूजा स्थली बने, भजन वगैरह किया, कीर्तन वगैरह किया करें आप यहाँ पे? आपको प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहेगा, मेरे चाहने से थोड़ी नहीं होगा, जो परमात्मा चाहेगा सो होगा। लेकिन हमारे चाहने से, लेकिन आप जन जन की सबकी सहायता करने के लिए, एक तरह से सबकी शुद्धि के लिए, जन जन में धर्म का प्रचार करने के लिए, शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, जन जन में सही सही जगह बैठ के एकांत में गीता का प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरी गीता का प्रचार करता है उससे बड़ा प्रिय भक्त न तो कोई है और ना ही कोई होगा। मैं गीता प्रचारक हूँ। ओके, क्या आपका पूरा नाम क्या है? हरि जी महाराज बोलते हैं। हरि जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में हमें बताया और ज्ञान दिया हमें। तो उम्मीद है कि जल्दी से जब भी आपकी इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण जरूर पूरी करेंगे आपकी इच्छा। धन्यवाद जी।